हेलो दोस्तों, एथिकल व्यासपीठ में आपका स्वागत है। ये वीडियो ट्यूटोरियल एथिकल हैकिंग को सही तरीके से सीखने के लिए बनाया गया है। इसका गलत इस्तेमाल करना मना है और गलत इस्तेमाल करने पर मैं और मेरी चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए एथिकल व्यासपीठ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस YouTube चैनल को और नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम एथिकल हैकिंग में नेटकेट कमांड किस तरह उपयोगी बन सकता है ये सीखेंगे। इस वीडियो सीरीज में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में हम नेटकेट से दो कंप्यूटर्स के बीच में सैंपल चैट एप्लीकेशन बनाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करना, अलग अलग प्रकार के बैकडोर सेल बनाना और अलग अलग स्कैनिंग की टेक्निक सीखेंगे। आज के इस नेटकेट टूल के पहले वीडियो में हम नेटकेट कमांड से दो कंप्यूटर्स के बीच में क्लाइंट सर्वर कनेक्शन बना के सिंपल चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। दोस्तों, तो ज्यादा समय बिताए बिना सीखना शुरू करते हैं। नेटकेट कमांड से नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं या सेल के रूप में पूरा कमांड का कमांड भी दे सकते हैं। इसलिए नेटकेट को नेटवर्क इंजीनियर के लिए सिस आर्मी नाइफ कहा जाता है। नेटकेट कमांड को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क में जुड़े दो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में एक कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर समझ के उसमें लिसनर चालू कर लीजिए और दूसरी ओर के कंप्यूटर में क्लाइंट कमांड को रन करके सर्वर के साथ उसको जोड़ दीजिए। अब जो सर्वर कंप्यूटर होगा वो लिसनर कहलाएगा और उसका काम होगा क्लाइंट की ओर से आती हुई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना, और क्लाइंट की ओर से हम सर्वर के साइड की सारी माहिती, जैसे कि सर्वर पे चालू पोर्ट्स, सर्विसेज और सर्विसेज के बैनर की माहिती निकाल सकते हैं। नेटवर्क में जुड़े कोई भी दो कंप्यूटर में से जिसे सर्वर बनाना हो उसके ऊपर हम ये वाला कमांड चलाएंगे, NC-NVLP और एक फ्री ओपन पोर्ट चालू कर देंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1234 का। ओके, तो यहाँ पे हमने नेटकेट कमांड के साथ चार स्विचेस का यूज किया हुआ है, एक N है, एक V है, एक L और P है। तो -N का मतलब होता है कि हमें DNS के नेम रिजोल्यूशन को नहीं करना है। ओके, L का मतलब होता है कि ये जो सर्वर मशीन है उसको हमें लिसनर बनाना है, और -P का मतलब होता है कि हमें कोई एक पोर्ट देना है कि जिसके ऊपर ये सर्वर मशीन चालू हो जाए, और -V का मतलब होता है कि हमें आउटपुट पे थोड़ी सी वर्बोसिटी चाहिए। उसी प्रकार इस लिसनर या सर्वर मशीन से जुड़ने के लिए क्लाइंट की ओर से हम लोग ये वाले कमांड को चलाएंगे, जिसमें हमने नेटकेट कमांड के साथ दो स्विचेस का यूज किया हुआ है, -N और -V का। ओके, -N का वही मतलब है कि वहां से भी हमें DNS नेम रेजोल्यूशन नहीं करना है और कमांड का मुझे वर्बोसिटी चाहिए। ओके, यहां पे हमने एक IP एड्रेस डाला हुआ है, तो ये जो IP एड्रेस है वो सामने वाले सर्वर का IP एड्रेस रहेगा, और जो पोर्ट नंबर मैंने डाला हुआ है वो पोर्ट नंबर जो सर्वर ने लिसनर के समय चालू किया हुआ है वही कॉमन पोर्ट रहेगा। अच्छा, तो इसे अब हम प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए
मैंने अपने कंप्यूटर में ओरेकल के वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स मैनेजर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो एक ओपन सोर्स वीएमवेयर मशीन है। ओके, तो मैंने अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में से दो मशीन को शुरू करके रखा हुआ, एक है पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो एक सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग टूल है, और दूसरा जो मशीन जो है मैंने विंडोज 7 वनरेबल मशीन को चालू करके रखा हुआ है। दोस्तों, एथिकल व्यासपीठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने अपने कंप्यूटर में एथिकल हैकिंग को सीखने के लिए आप किस प्रकार वर्चुअल लैब सेटअप कर सकते हैं, उसको सीखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में से वर्चुअल लैब सेटअप इन हिंदी को देख सकते हैं। ओके, तो दोनों मशीन के अंदर मैंने विंडोज मशीन के अंदर मैंने उसका कमांड प्रॉम्प्ट चालू करके रखा हुआ है, और विंडोज मशीन में नेटकेट यूटिलिटी पहले से इंस्टॉल नहीं होती है, तो मैंने उसको डाउनलोड करके मैंने अपने सी ड्राइव में टूल्स वाले फोल्डर में उसको रखा हुआ है, जैसे मैं DR करके यहाँ पे देख सकता हूँ NC.exe को। अब मुझे करना क्या है, तो कि विंडोज साइट के मशीन से मैं लिसनर को चालू करूँगा, और उस लिसनर के ऊपर मैं पैरेट साइट के मशीन से कनेक्टिविटी करूँगा। तो यहाँ पे मुझे लिसनर चालू करने के लिए मैं अपना कमांड डालूंगा NC और चारों की चारों स्विचेस -N VLP और एक कॉमन पोर्ट डाल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने डाला हुआ है 1 2 3 4, और एंटर को हिट करूंगा। तो अभी मैंने मेरे विंडोज मशीन को सर्वर बना के उसके ऊपर मैंने लिसनर चालू कर दिया है। तो अब मैं क्या कर सकूंगा कि सामने वाले कोई भी मशीन से अगर इस मशीन का मुझे IP एड्रेस पता हो, तो मैं इस मशीन के साथ ये कॉमन पोर्ट के ऊपर नेटकेट कमांड से जुड़ सकूंगा। तो अब मैं पैरेट मशीन की ओर से यहाँ पे जुड़ने के लिए क्लाइंट कमांड को डालूंगा। तो मैंने पैरेट मशीन के ऊपर भी एक टर्मिनल चालू कर दिया है। अब मुझे सामने वाले मशीन में, मतलब कि विंडोज मशीन के लिसनर के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा NC। ओके, पैरेट सिक्योरिटी OS में नेटगेट कमांड जो है वो पहले से इंस्टॉल रहता है, तो हम उसका सीधा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा NC- दो ही स्विच डालूंगा NV, सामने वाले मशीन यानी कि विंडोज 7 मशीन के IP एड्रेस को डालूंगा जो कि 10.0.2.5 है, और उसने वहाँ पे जो लिसनर जो कॉमन पोर्ट पे चालू किया हुआ है वही पोर्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो वो पोर्ट है मेरा 1 2 3 4। ओके, जैसे ही मैंने एंटर को हिट कर दिया, वैसे ही वहाँ यहाँ से 10.0.2.5 और पोर्ट नंबर 1 2 3 4 पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, और यहाँ पे मुझे सामने वाले मशीन के IP के साथ उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, अभी मैं क्या कर सकूंगा तो मुझे अभी तो एक सैंपल चैट एप्लीकेशन के रूप में इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ से एक मैसेज ड्रॉप करूँगा पैरेट OS की तरफ से कि हेलो विंडोज 7, तो वही मैसेज जो है यहाँ पे नेटकेट कमांड्स के जरिए मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगा। और अगर यहाँ से मैंने कोई मैसेज ड्रॉप कर दिया जैसे कि हेलो पैरेट OS, तो वो मैसेज मुझे यहाँ पे दिखेगा, मतलब ये दोनों मशीन जो है वो नेटकेट कमांड से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, और दोनों सिंपल चैट एप्लीकेशन के रूप में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस भेज सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने नेटवर्क में जुड़े दो कंप्यूटर के बीच में क्लाइंट सर्वर नेटकेट कमांड का इस्तेमाल करके दो कंप्यूटर के बीच में मैसेज एक दूसरे को प्रैक्टिकली भेजना सीख लिया है। हमारे अगले वीडियो में हम नेटवर्क में जुड़े दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफर करना सीखेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए एथिकल व्यासपीठ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस YouTube चैनल के नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब सलामत रहे और रोज कुछ ना कुछ नया सीखें।